Hello everyone, welcome to Capstone IAS Learning and welcome to the first lecture of our Prelims 2020 crash course for Indian Polity. In this lecture, we'll discuss basic features of Indian Constitution. So, in this lecture, we'll discuss Indian Constitution ke kuch basic features pe na brief mein nazar dalenge. Baki subsequent lectures mein hum inhi basic features ko detail mein study karenge, elaborate karenge in pe. But aaj hum briefly study karenge ke hamare Indian Constitution ke kuch salient basic features kya hain. Alright, तो फटाफट से देख लेते हैं what will we cover in this video. तो इसमें ना हम दो ही चीजें cover करेंगे. एक तो हम देखेंगे salient features of Indian Constitution और एक ना हम philosophical aspect को touch करेंगे Indian Constitution के. हम देखेंगे why do we need a constitution? इंडिया को constitution की क्या requirement है? हमारे country के constitution makers ने जब constitution बनाया था, तो उन्होंने क्या सोचा था? वो क्यों बना रहे हैं constitution? Indian constitution हमें क्या देता है? वो सारी चीजों को हम टच करेंगे ब्रीफली फटाफट से क्योंकि फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पे भी कई बारी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं, इसी फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को देख लेते हैं. व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? ऑलराइट, नाउ सबसे पहला रीजन पता क्या है? सबसे पहला रीजन यह है कि अ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस. कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? आपकी सोसाइटी को, आपकी कंट्री को एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दे देता है. उन्हीं बेसिक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस में सारे लोग कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं. बिना बेसिक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के कोई भी सोसाइटी फंक्शन नहीं कर सकती. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो ट्राइबल सोसाइटी भी होती है ना, उसके भी कुछ रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम्स वगैरह होते हैं जिनके बेसिस पे लोग काम करते हैं, जिनके बेसिस पे सोसाइटी फंक्शन करती है. एक छोटा सा एग्जाम्पल ही ले लो. मान लो ट्रैफिक रूल्स हमारे कंट्री में ना एग्जिस्ट करते तो हर कोई रैंडमली गाड़ी चला रहा होता. अगर बिना ट्रैफिक रूल्स के लोग रैंडमली गाड़ी चला रहे होते तो डोंट यू थिंक ट्रैफिक स्मूथली फ्लो ना करता इंडिया में? डोंट यू थिंक बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते? राइट, तो इसीलिए ट्रैफिक रूल्स क्या अलाउ करते हैं? ट्रैफिक रूल्स अलाउ स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक. ट्रैफिक रूल्स से क्या होता है? लोग कोऑर्डिनेटेड मैनर में गाड़ी चलाते हैं. अगर ट्रैफिक रूल्स ना हो तो आए दिन एक्सीडेंट हो. सिंपल सी चीज ये ले लो, अगर रेड लाइट ना हो या ग्रीन लाइट ना हो, सिग्नल ना हो, आप सिग्नल पे खड़े हुए हो और आप ग्रीन लाइट पे आगे चल देते हो, सामने वाला इंसान रेड लाइट ब्रेक करके आपकी गाड़ी में मार देता है ना? अगर ट्रैफिक रूल्स एग्जिस्ट ही ना करे तो आए दिन ऐसी चीजें होती रहे. बट ट्रैफिक रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, इसी वजह से लोग प्रिडिक्टेबल फॉर्म में गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट से बचते हैं. तो ट्रैफिक रूल्स क्या कर रहे हैं? ट्रैफिक रूल्स सारे ड्राइवर्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. सारे ड्राइवर्स अपने ही दायरे में गाड़ी चला रहे हैं और इससे स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक हो रहा है. नाउ ट्रैफिक रूल्स इज जस्ट वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ टोटल रूल्स इन आर कंट्री. हमारे कंट्री में जितने भी रूल्स हैं उनका छोटा सा सबसेट ट्रैफिक रूल्स है और आपने देख लिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वैसे ही पूरी इंडियन सोसाइटी को फंक्शन अगर करना है अच्छे से तो उसे एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए. बेसिक सेट ऑफ रूल्स चाहिए ताकि लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर सकें. अच्छा, अश्योरेंस का मतलब क्या है? बेसिक सेट ऑफ रूल्स ना ये अश्योरेंस देता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रैफिक रूल्स ना हो तो मुझे ये अश्योरेंस नहीं है ना कि कोई भी इंसान सिग्नल जंप नहीं करेगा. राइट, अगर मुझे इस चीज की अश्योरेंस ही नहीं है तो मैं डरते डरते सिग्नल क्रॉस करूंगा. चाहे ग्रीन लाइट हो भी तब भी मैं डरते डरते करूंगा क्योंकि मुझे डर है कि कोई ना कोई इंसान तो रेड लाइट क्रॉस करेगा ही करेगा. राइट, इसीलिए बेसिक रूल्स, बेसिक सेट ऑफ रूल्स देता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो कोऑर्डिनेशन अलाउ करता है, अश्योरेंस अलाउ करता है. ऑलराइट, सो पहला फंक्शन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, इट अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस. दूसरा फंक्शन क्या है? इट स्पेसिफाइज डिसीजन मेकिंग पावर्स. हमारी सोसाइटी में कौन डिसीजन लेगा, क्या डिसीजन ले सकता है कोई, ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हर कोई अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझने लग जाएगा तो हर कोई डिसीजन लेता जाएगा. राइट, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि किस इंसान पे, किस ऑफिस पे क्या अथॉरिटी है, क्या पावर्स है. जुडिशरी के पास क्या पावर्स हैं, लेजिस्लेचर के पास क्या पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव के पास क्या पावर्स हैं. बिना इन डिसीजन मेकिंग पावर्स की एलोकेशन के रैंडमनेस बहुत ज्यादा आ जाएगी, आर्बिट्रेरीनेस आ जाएगी. तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कौन इंसान होगा जो डिसीजन लेगा और किसके पास क्या डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगी. तो यह बताना बहुत ज्यादा जरूरी है और यह कॉन्स्टिट्यूशन करता है. थर्ड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? इट पुट्स चेक्स या लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट.
गवर्नमेंट के ऊपर चेक्स लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो टायरानिकल हो सकती है, टिरानिकल हो सकती है, आर्बिट्रेरी हो सकती है. तो गवर्नमेंट भी एक सेट पैटर्न ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर जाए, गवर्नमेंट भी कुछ अपने ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस फॉलो करे, गवर्नमेंट के ऊपर भी लिमिट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है. नहीं तो हमने देखा है पास्ट में कि जो किंग्स होते हैं, जिन पे किंग होते थे, मोनार्कीज होती थी, जिन पे कोई चेक्स नहीं होते थे, वो कितनी आर्बिट्रेरी हो जाती थी, लोगों का नुकसान ही होता था. तो गवर्नमेंट पे चेक्स लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है. और एक एग्जांपल पता क्या है, एक एग्जांपल ये है कि हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के ऊपर जो चेक्स लगाता है वो फंडामेंटल राइट्स के रूप में लगाता है. फंडामेंटल राइट्स सिटीजंस को ये आश्वासन देते हैं, ये अश्योरेंस देते हैं कि गवर्नमेंट उनके कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स एनक्रोच नहीं करेगी. गवर्नमेंट उनके कुछ बेसिक राइट्स जो इंपॉर्टेंट है जीने के लिए, उन पे उनको छीनेगी नहीं, उनको वायलेट नहीं करेगी. ऑलराइट, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट फॉर पुटिंग लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. देन कॉन्स्टिट्यूशन आपको एस्पिरेशंस एंड गोल्स देता है. आपकी सोसाइटी के क्या एस्पिरेशंस हैं, आपकी सोसाइटी के क्या गोल्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल प्रीएम्बल में लिखा हुआ है ना कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जस्टिस सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये जस्टिस दिया जाएगा, है ना. वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17 के अंडर अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना चाहता है, राइट. तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है ना एक सोसाइटी को गोल्स एंड एस्पिरेशंस देता है जिसकी तरफ वो स्ट्राइव करते हैं. क्लियर. एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इट गिव्स अ फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ आइडेंटिटी टू पीपल. फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल स्पेसिफाई करेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन. कैसे, आप कैसे कह सकते हो कि आप इंडियन हो? आप ऐसे कह सकते हो कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कर रहे हो. जो इंसान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है, जो इंसान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है, वही इंडियन है. इंडिया को आइडेंटिटी इंडिया की स्टेट देती है, और इंडिया की स्टेट के पास पावर्स कहां से आती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से. सो कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ फंडामेंटल आइडेंटिटी टू इट्स सिटीजन्स या टू इट्स पीपल. क्लियर. तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको आइडेंटिटी देने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये तो पांच बेसिक फिलोसॉफिकल रीजंस हो गए व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. अब फटाफट से हम देख लेते हैं सेलियंट फीचर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ सबसे पहला फीचर पता क्या है, इट इज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये बहुत सारे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के बना है. जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लिया है. हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम है ना, कि वोटिंग होती है, इलेक्शन होता है, फिर सीट्स जीती जाती हैं, राइट. कोई इंसान एक सीट पे खड़ा होगा, वो जीतेगा तो वो पार्लियामेंट में जाएगा. ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, ये इलेक्शन का सिस्टम हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. स्पीकर का जो रोल है, स्पीकर का जो ऑफिस है, वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स कई ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं. बट सिर्फ ब्रिटेन से हमने बोरो नहीं करा है, हमने यूनाइटेड स्टेट्स से भी बोरो करा है. यूनाइटेड स्टेट्स ने आइडिया दिया था बिल ऑफ राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का, वो हमने यूनाइटेड स्टेट्स से बोरो करा है. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी का जो कॉन्सेप्ट है, वो यूनाइटेड स्टेट्स से आता है. वैसे ही आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रिंसिपल लिए हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्वासाई फेडरल सिस्टम लिया है. मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल तो है, बट उसका एक यूनिटरी बायस है. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज्यादा पावर्स हैं, राइट. प्लस द आइडिया ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स, रेजिड्यूअल पावर्स. इसमें क्या होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी लिस्ट में कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, पर कोई नया सब्जेक्ट आया था, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कौन लॉ बनाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं था, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब नई चीज आई है, 21st century की चीज है. तो कोई भी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो अगर आ जाती है तो उस पर लॉ बनाने का हक सिर्फ सेंटर को है, स्टेट्स को नहीं है, ठीक है. ये हमने कैनेडा से उठाया. इन्हें हम रेजिड्यूरी पावर्स कहते हैं, और रेजिड्यूरी पावर्स यूएसए में स्टेट्स के पास होती हैं, बट कनाडा में सेंटर के पास होती है, और ये चीज हमने कनाडा से उठाई है. ऐसे ही और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन हैं जिनसे हमने कुछ कुछ प्रिंसिपल्स उठाए हैं. तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ना कई बार हम कह देते हैं इट इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड after ransacking all the known constitutions of the world, and most of its provisions are substantially borrowed from others, hai na. Now bahut sare hamare jo constitution ke features hain wo borrowed zarur hain, but aisa nahi hai humne blindly unhe borrow kar liya, humne unhe adapt kara hai, humne unhe modify kara hai to Indian conditions. To humne blindly borrow nahi kara hai, humne unhe adapt aur modify kara hai to Indian conditions. Though our constitution may be said to be borrowed,
Credit should be given to its framers for gathering the best features of existing constitutions and modifying slash adapting them to existing condition. ठीक है, तो इसीलिए borrowed word use करना सही नहीं होगा. पता है हमें word क्या use करना चाहिए? We should use a phrase called a beautiful patchwork. Our constitution is a beautiful patchwork and it borrowed from heavily actually from various other constitutions. Clear? Now, बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे ना, उन्होंने क्रिटिसाइज करा था डॉक्टर बी आर अंबेडकर को, कि उन्होंने कहा था कि दिस इज अ स्लैविश इमिटेशन ऑफ द वेस्ट. आपने वेस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन को बस इमिटेट करा है. ठीक है, इट इज नॉट सूटेड टू द जीनियस ऑफ द पीपल. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये वेस्ट से आपने इमिटेट करा है, तो ये इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है. इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए था वो इंडियंस के हिसाब से बना होता, बाहर से बोरो ना करा होता. राइट, अब बी आर अंबेडकर को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, बट इन लोगों का क्रिटिसिज्म ना वैलिड नहीं है. और ये हमें पता चलता है कैसे. इन लोगों ने प्रिडिक्ट करा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंडियंस के लिए तो बना नहीं है. इट इज नॉट सूटेड टू द जीनियस ऑफ द पीपल. ये इंडिया को सूट नहीं करेगा क्योंकि ये बाहर से बोरो करा है. तो इसीलिए ये लोगों ने प्रिडिक्ट करा था कि ये चलेगा नहीं, ज्यादा दिन चलेगा नहीं. बट आज इतने साल हो गए, मोर देन 70 ईयर्स हो चुके हैं हमारे इंडिपेंडेंस को, अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अच्छे से चल रहा है. That means कि ये लोगों का क्रिटिसिज्म थोड़ा वैलिड नहीं था. अच्छा, बी आर अम्बेडकर जी को भी ना बहुत सारे लोग ये इसलिए भी काफी ज्यादा मतलब क्रिटिसाइज कर रहे थे कि उन्होंने ना अपने ओरिजिनल प्रोविजन नहीं निकाले, उन्होंने सिर्फ बोरो कराया और कॉपी पेस्ट कराया, कट कॉपी पेस्ट कराया. तो इस पे बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था वो देख लेते हैं फटाफट से. One likes to ask whether there can be anything new in a constitution framed at this hour in the history of the world. More than 100 years have rolled on when the first written constitution was drafted. It has been followed by many other countries reducing their constitutions to writing. Given these facts, all constitutions in their main provisions must look similar. The only new things, if there be any, in a constitution framed so late in the day are the variations made to remove the faults and to accommodate it to the needs of the country. इसमें बी आर अम्बेडकर पता क्या कह रहे हैं, मैं ब्रीफली अगर आपको बताऊं, बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं ना, तब तक इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं. ये इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ना ऑलमोस्ट सारे इश्यूज डिस्कस कर लिए हैं, सारे इश्यूज पे लॉ बना दिए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए हैं. तो जो भी चीजें हो सकती थी ना एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो सारी एग्जॉस्ट हो चुकी हैं. कोई नया प्रोविजन नहीं आ सकता क्योंकि सबने सब कुछ ट्राई करके देख चुके हैं. राइट, तो इस टाइम पे जब 100 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को, तो इतने सारे प्रोविजंस किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो कोई नया प्रोविजन, इनोवेटिव प्रोविजन आ ही नहीं सकता. हो क्या सकता है कि ये ऑलरेडी जो ओल्ड प्रोविजंस हैं इन्हीं को आप मॉडिफाई कर दो, ताकि जो इनमें फॉल्ट्स थी वो आप रिमूव कर दो. तो इस समय में नया कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें बिल्कुल ही नए प्रोविजंस हो, वो आ ही नहीं सकता है. ऑलराइट, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था. वैसे ऑफिशियल पोजीशन पता क्या होनी चाहिए आपकी, जो आंसर में पोजीशन होनी चाहिए, कि ये बोरोड तो है, हमने इस काफी प्रोविजंस बोरो तो करें, पर इट्स अ ब्यूटिफुल पैचवर्क क्योंकि हमने इसे मॉडिफाई करा है टू इंडियन कंडीशंस. ऑलराइट, तो ये चीज है आपके एक फीचर ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. देन नेक्स्ट, आर कॉन्स्टिट्यूशन इज सप्लीमेंटेड बाय मल्टीपल अमेंडमेंट्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में बना था ना, 1950 वाला कॉन्स्टिट्यूशन काफी ज्यादा चेंज हो चुका है क्योंकि बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं. मेनी ऑफ द ओरिजिनल फीचर्स ऑफ 1950 कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन सब्सटैंशियली मॉडिफाइड बाय द 78 अमेंडमेंट्स व्हिच हैव बीन मेड अप टू 1996. तो 1996 तक ना 78 अमेंडमेंट्स की जा चुकी थी, और अब 2020 तक तो और बहुत सारी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, बट 1996 तक ना मेजर चेंजेस हुए थे इन 78 अमेंडमेंट्स में. एक तो 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, उस 42nd अमेंडमेंट ने तो ड्रास्टिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया था. 42nd अमेंडमेंट एक्ट को ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कह देते हैं कई बारी, क्योंकि इसने ड्रास्टिकली बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आया था ये कॉन्स्टिट्यूशन में. प्लस 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट है ना, जो पंचायती राज लेके आया इंडिया में, जो अर्बन लोकल बॉडीज लेके आया इंडिया में, इसने तो एक थर्ड लेयर ऑफ फेडरलिज्म डाल दिया था. अभी तक हमारे कंट्री में फेडरलिज्म के दो ही लेयर्स थी, सेंटर स्टेट्स, इसने एक तीसरी लेयर ऐड कर दी थी. तो एक नई एडिशन हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना एक तो वैसे ही बहुत बड़ा था, लेंथी था, प्लस उसमें इतनी अमेंडमेंट्स करके नए प्रोविजंस डाल दिए गए. क्लियर, प्लस ये तो दो एग्जांपल है, और बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और बल्की बनाया. ऑलराइट,
तो दूसरा फीचर है आपका सप्लीमेंटेड बाय मल्टीपल अमेंडमेंट्स। अब हम आ जाते हैं तीसरे सेलियंट फीचर पे। इट इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द मोस्ट लेंथी एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट द वर्ल्ड हैज सो फार प्रोड्यूस्ड। क्लोज टू 450 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल है। ये जो नीचे पिक्चर दी हुई है ना, इतनी बड़ी बुक में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, राइट? अब वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उनको देखोगे तो छोटे से पॉकेट साइज बुक होती है। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो तो जेब में फिट हो जाता है, छोटी सी पॉकेट साइज बुक है उसकी। बट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा लेंदी और बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। इट इज द लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। नाउ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी क्यों है, इतना बल्की क्यों है, इसके ना कुछ रीजन है। उन रीजंस को देख लेते हैं एक बारी। व्हाई इज आर कॉन्स्टिट्यूशन सो बल्की? एक तो इसने बोरो करा है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से, इट इनकॉर्पोरेट्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन से हम इन्फ्लुएंस नहीं हुए, हम बहुत सारे मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस हुए थे, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट थोड़ा बल्की हो गया। दूसरा रीजन क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना इकलौता तो नहीं कहना चाहिए, बट ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ना बहुत कम है दुनिया में जिनमें एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोविजंस भी डिटेल में दिए हुए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ना, उसमें तो सिर्फ बेसिक रूल्स और रूल्स ऑफ गवर्नेंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी उस कंट्री की, वो डिटेल में नहीं दिया होता। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इकलौता ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस बड़े डिटेल में दिए हुए हैं कि आप जो सिविल सर्वेंट है उन्हें हायर कैसे करोगे, उनको हायर करने के लिए एक आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई है यूपीएससी, वो डिटेल्ड तरीके से दिया हुआ है कि यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस जनरली नहीं दिए जाते कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इंडिया ने दिए हैं। अब इंडिया ने क्यों दिए इतने डिटेल में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस? मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस जस्ट ले डाउन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, वेयर एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ पोर्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जो ब्रिटिश लेके आए थे, उसमें भी डिटेल्ड प्रोविजंस थे एडमिनिस्ट्रेशन के। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो लगा लो आप 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही है, क्लियर? तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस थे, तो लाजमी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी होंगे, क्लियर? तो इसीलिए बिकॉज आर कॉन्स्टिट्यूशन इज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसलिए यहां पे डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैं। प्लस जब बी आर अंबेडकर जी को क्रिटिसाइज किया जा रहा था ना कि आपने इतने डिटेल में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस क्यों डाले हैं, तो बी आर अंबेडकर ने पता क्या कहा था? बी आर अंबेडकर ने कहा था कि ना आपको डिटेल में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस डालने पड़ेंगे, बिकॉज अभी जैसी पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, मुझे डर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई सबवर्ट ना कर जाए, कोई पवर्ट ना कर जाए, कल 10-20 साल में कोई ऐसे लोग चुन के पार्लियामेंट में ना आ जाएं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस दिए हुए हैं उनको ही सबवर्ट कर दे, कोई ऐसा इंसान ना आ जाए कि जो हमारी कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन पवर्ट कर दे, जो एलीट्स हैं हमारे सोसाइटी में वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को ऐसा ना कर दे कि उन्हें ही सूट करे, गरीबों को नुकसान हो, इसीलिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में ही डालने पड़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। बी आर अंबेडकर ने एग्जैक्टली पता क्या कहा था? इट इज परफेक्टली पॉसिबल टू पवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट चेंजिंग द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आप बेसिक फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को बिना चेंज किए बगैर उसके अंदर की छोटी छोटी फाइनर डिटेल्स चेंज कर दो और एलीट्स अपने फायदे की एडमिनिस्ट्रेशन बना लें, इसीलिए मुझे ये छोटी छोटी डिटेल्स भी एडमिनिस्ट्रेशन की कॉन्स्टिट्यूशन में डालनी पड़ेगी, क्लियर? और तीसरा रीजन पता क्या था? इंडियंस के लिए ना डेमोक्रेसी एक नई तरीका का जानवर था, इंडियंस के लिए डेमोक्रेसी एक बिल्कुल ही नई चीज थी, तो इंडिया वॉज एन इन्फेंट डेमोक्रेसी। अब एक नई डेमोक्रेसी है ना, उसमें लोगों को एजुकेट भी करना पड़ता है, लोगों को क्लियरली बताना पड़ता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगी, एक नई डेमोक्रेसी को प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बताने पड़ेंगे, इसीलिए एक नई डेमोक्रेसी बिल्कुल अपनी पटरी से भटक ना जाए, अपने रास्ते से भटक ना जाए, इसीलिए बी आर अंबेडकर जी ने कहा कि उन्हें डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस डालने पड़े। इट वाज आल्सो फेल्ट दैट द स्मूथ वर्किंग ऑफ एन इन्फेंट डेमोक्रेसी माइट बी जेपर्डाइज्ड अनलेस द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड इन डिटेल थिंग्स विच वर लेफ्ट इन अदर कॉन्स्टिट्यूशंस टू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। जो वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है ना, वो तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के पास उसकी पावर होती है बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस में, बट इंडिया में डिटेल में दिया हुआ है और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बल्की हो जाता है। तो ये तो दो रीजन हो गए, अब हम तीसरे रीजन पे आ जाते हैं। पहली बात, इंडिया एक वास्ट कंट्री है जिसमें इतनी सारी एथनीसिटीज हैं, इतने सारे रेसेस हैं, इतनी सारी ज्योग्राफीज हैं, और हर ज्योग्राफी, हर एथनीसिटी, हर ट्राइब की, हर कम्युनिटी की अपनी ही डिमांड है,
राइट, नागालैंड की अलग डिमांड है, जम्मू एंड कश्मीर की अलग डिमांड थी, तो उन सारी डिमांड्स को मतलब केटर करने के लिए आपको सारे जो रीजन्स हैं, कम्युनिटीज हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस डालने थे, राइट right? तो इसीलिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन बल्की हो गया. वास्टनेस ऑफ आर कंट्री एंड द पेक्यूलियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वर टू बी सॉल्व कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द बल्क ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, प्लस एक जो सबसे बड़ा रीजन है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बल्की होने का, वो ये है कि स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी में ही दिया हुआ है. बाकी जितनी भी कंट्रीज है ना, फॉर एग्जाम्पल यूएसए, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन है, हर स्टेट के अपने अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट. बट इंडिया में क्या है कि सेंटर का भी प्रोविजंस होंगे, स्टेट के भी प्रोविजंस होंगे. इंडिया का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर के लिए भी वही है, स्टेट्स के लिए भी वही है. बाकी जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, इसमें सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, स्टेट का अलग. तो जो सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो तो लाजमी है फिर छोटा डॉक्यूमेंट होगा, बल्कि नहीं होगा. बट इंडिया में क्योंकि स्टेट्स और सेंटर सबके प्रोविजंस हैं, इसलिए बल्कि हो जाता है. प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेशल प्रोविजंस डीलिंग विद रीजंस लाइक जे एंड के, नागालैंड, सिक्किम, जैसा कि मैंने बताया वास्टनेस ऑफ हर कंट्री, तो इसीलिए ये चीज है. देन फेडरल रिलेशंस, जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं, उन पे इलैबोरेटली काम किया गया है. इलैबोरेट प्रोविजंस हैव बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेंटेन सेंटर स्टेट रिलेशंस. तो सेंटर स्टेट रिलेशंस को काफी डिटेल में कवर किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने. प्लस हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. प्लस इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के लिए स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस हैं कि किन किन केसेस में फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा सकते हैं. तो इसीलिए वी हैव अ एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा बल्की हो जाता है. ऑलराइट, तो एक तो ये फीचर हो गया दैट वी हैव द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. अब हम आ जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक और फीचर पे, जिसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? नाउ कहा यह जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा फ्लेक्सिबल है एज कंपेयर टू बीइंग रिजिड. मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिड प्रोविजंस भी हैं, फ्लेक्सिबल प्रोविजंस भी हैं, बट फ्लेक्सिबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ज्यादा है. नाउ आप सोच रहे होगे रिजिड और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है. रिजिड अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता ना, उसका मतलब होता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हो सकता. बट अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है तो टाइम्स के हिसाब से, सर्कमस्टांसिस के हिसाब से आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. नाउ अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो बहुत ज्यादा रिजिड है, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस अमेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. बट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना कंपैरेटिवली ज्यादा फ्लेक्सिबल है. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ना सिर्फ कुछ ही प्रोविजंस हैं जिन्हें थोड़ा मुश्किल होगा अमेंड करना. कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो ना हमारे कंट्री के फेडरल रिलेशन से डील करते हैं. तो हमारे कंट्री के ना कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिन्हें अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर चाहिए. ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजंस ही हैं, ओनली अ फ्यू प्रोविजंस ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट अमेंडमेंट प्रोसीजर है. क्लियर, और ये भी जो डिफिकल्ट प्रोसीजर है ना, ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर हम यूएसए से कंपेयर करें. बिकॉज यूएसए में आपको स्टेट्स की रेटिफिकेशन तो चाहिए होती है, बट 3/4 स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए होती है. इंडिया में तो 50% चाहिए स्टेट्स की रेटिफिकेशन, यूएसए में 3/4 चाहिए. तो जो आपका सबसे ज्यादा रिजिड वो भी है ना, जो आपके प्रोविजन मुश्किल है अमेंड करने, वो भी इतने मुश्किल नहीं है अमेंड करने. ऑलराइट, बट ओनली फ्यू प्रोविजन आर डिफिकल्ट टू अमेंड. रेस्ट जितने भी और बहुत सारे प्रोविजन है ना, उनको अमेंड करना इतना डिफिकल्ट नहीं है. द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाई पार्लियामेंट इटसेल्फ. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर्स की रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है. पार्लियामेंट ना कई प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उन्हें स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड कर सकता है. अभी स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है? 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, के जितने भी लोग वहां प्रेजेंट अमेंड करने बैठे हुए हैं हाउस में, 2/3 मेजोरिटी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग. प्लस वो 2/3 जो नंबर है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. मतलब अगर आपके टोटल मेंबरशिप एग्जाम, मतलब सिंपलिसिटी के लिए बोल रहा हूं, अगर आपकी टोटल मेंबरशिप हाउस की है 300, तो 150 वोट्स तो होने ही चाहिए मिनिमम, प्लस जितने लोग प्रेजेंट हैं उनके भी 2/3 होने चाहिए. ऑलराइट, बाकी आई एम अज्यूमिंग आपको स्पेशल मेजोरिटी तो पता ही होगा. ऑलराइट, तो कुछ आपके ऐसे प्रोविजंस हैं जो स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड होंगे, कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें आपको स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए, और कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्हें 2/3 मेंबर्स, वो स्पेशल मेजॉरिटी भी नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी. जैसे कि एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पास करता है ना पार्लियामेंट, वैसे सिंपल मेजॉरिटी से भी कुछ प्रोविजंस अमेंड हो सकते हैं. अब कॉन्स्टिट्यूशन ना स्पेसिफिकली बोलता है, इट इज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सच चेंजेस,
shall not be deemed to be amendments to the constitution. तो constitution ना specifically provide करता है कि कुछ ऐसे provisions हैं जिन्हें amend करने के लिए parliament को simple majority चाहिए. और constitution कहता है कि वो जो provisions amend होंगे ना, उन्हें मैं constitutional amendment गिनूंगा ही नहीं. Clear? अब ऐसे कौन से provisions हैं? Some of these provisions are, जैसे article 4 के अंडर ना, आप ना किसी टेरिटरी का स्टेट का नाम चेंज कर सकते हो, बाउंड्री चेंज कर सकते हो, दो स्टेट्स को मिला सकते हो, एक स्टेट को तोड़ सकते हो, ये सारे चेंजेस आप कर सकते हो अंडर आर्टिकल 4, एंड दिस वुड नॉट बी डीम्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ये चीज करने के लिए पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए ही नहीं. सिंपल. देन अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ सेकेंड चेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, जैसे सेंटर में होता है ना राज्यसभा, जिसे हम अपर हाउस कहते हैं, वैसे ही कई स्टेट लेजिस्लेचर में भी अपर हाउस होता है. तो किस स्टेट को अपर हाउस देना है, किस स्टेट का अपर हाउस लेना है, छीनना है, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा सिंपल मेजोरिटी से अंडर आर्टिकल 169. तो ये पार्लियामेंट की पावर है कि बिहार को हम दूसरा चेंबर देंगे. ऑलराइट. देन क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर सर्टन यूनियन टेरिटरीज, ये आर्टिकल 239 ए क्लॉज 2 के अंडर पार्लियामेंट के पास पावर है. अब ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, जो पार्लियामेंट कर सकता है बिना स्पेशल मेजोरिटी के. क्लियर. प्लस कुछ आर्टिकल्स तो ऐसे हैं जो ना इनकम्प्लीट है कॉन्स्टिट्यूशन में. कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लिखता है कि अभी तो हम इसमें इतनी डिटेल लिख रहे हैं, बाकी जो इसकी डिटेल होगी ना वो पार्लियामेंट बाय लॉ बताएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडर आर्टिकल 11, आर्टिकल 5-8 में ना कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा हुआ है कि इंडिया में कौन से लोग सिटीजन कहलाएंगे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि कौन से लोग आर क्वालिफाइड एज सिटीजंस. बट कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लिखता है अंडर आर्टिकल 11 के फ्यूचर में सिटीजनशिप लेने के क्या रूल्स हो सकते हैं, वो पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है. तो पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन बताएगा कि क्या मतलब सिटीजनशिप के लेने के रूल्स होने चाहिए. तो कुछ तो आर्टिकल्स ऐसे हैं, कुछ तो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे हैं जो इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट ही पार्लियामेंट के लॉ से होंगे. क्लियर. जैसे आर्टिकल 22 जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से डील करता है, उसका क्लॉज 7 क्या कहता है, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन सब्सिडरी मैटर्स रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन. देन आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी अबॉलिश करता है, ये पता क्या कहता है, ये कहता है कि अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. तो इस पे पार्लियामेंट एक लॉ बनाए, उस लॉ के तहत पनिश किया जाएगा अनटचेबिलिटी के लिए. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके लिए लॉ निकाला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं, पार्लियामेंट ने, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट. क्लियर. ठीक है. तो इसीलिए आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है. व्हाई? बिकॉज एक तो कुछ ही प्रोविजन है जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है, रेटिफिकेशन चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए. कुछ हैं जिसमें सिर्फ 2/3 मेजोरिटी चाहिए, स्टेट्स का ओपिनियन नहीं लेना, और कुछ तो ऐसे हैं जो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएंगे. क्लियर. प्लस देर आर सर्टन प्रोविजन विच आर टेंटेटिव और ट्रांजिशनल इन नेचर एंड दे आर टू रिमेन इन फोर्स ओनली एज लॉन्ग एज पार्लियामेंट डज नॉट लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट. इसका मतलब पता है क्या है, कि कुछ तो ऐसे प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन वालों ने ना टेम्प्रेरी प्रोविजन डाले हुए थे. कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था कि जब तक इस पर पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाता ना, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो चलेगा. जैसे ही पार्लियामेंट कोई लॉ बना देगा, ये प्रोविजन नल एंड वॉइड हो जाएंगे. ये कौन से प्रोविजन है? अंडर आर्टिकल 285 एग्जेम्पशन ऑफ यूनियन प्रॉपर्टी फ्रॉम टैक्सेशन, सू कर सकते हो आप स्टेट को, वो दिया हुआ है. तो पार्लियामेंट जब इन पे लॉ बनाएगा ना, तो यही प्रोविजन नल एंड वॉइड तो नहीं, खाली हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे. ठीक है. प्रोफेसर केसी वेयर थे ना, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने एक कोट दिया था, उन्होंने हमारे अमेंडमेंट प्रोसीजर या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में कमेंट करा था. उन्होंने पता है क्या कहा था प्रोफेसर केसी वेयर ने, दिस वैरायटी इन द अमेंडिंग प्रोसेस इज वाइज बट इज रेयरली फाउंड. मतलब ये जो इंडिया के अमेंडमेंट प्रोसीजर्स है ना, इतने सारे डिफरेंट, ये अच्छे हैं, दीज आर वाइज, बट ये कहीं और मिलते नहीं है, इंडिया में ही यूनिक है ये सिस्टम. ऑलराइट. चलो अब हम आ जाते हैं दूसरी साइड पे. अब हम आ जाते हैं एक और पेक्यूलियर फीचर के बारे में बात करेंगे. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की भी इजाजत है. अब पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पता कहां होती है? जनरली पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी वहां होती है जहां कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है. जैसे ब्रिटेन हो गया, यूके हो गया, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है. यूके में जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगा ना, वही कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा. राइट. बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ना कोशिश करी है कि हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री सुप्रेमेसी या पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को बैलेंस करें. जैसे जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. वहां के स्टेट लेजिस्लेचर के पास इतनी पावर है नहीं है, ठीक है, जितनी यूके के पार्लियामेंट के पास है. क्योंकि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्राइम इंपॉर्टेंस देता है, यूके का जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को प्राइम इंपॉर्टेंस देता है. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस आउट करता है.
Our constitution is the combination of theory of fundamental law, which constitutes the written constitution of USA, and the theory of parliamentary sovereignty, which underlies the unwritten constitution of England. ठीक है, तो parliament को भी supremacy दी हुई है और constitution को भी supremacy दी हुई है ना, ये balance out करा। अब ये balance out कैसे करा है? आपने कह तो दिया कि जो आपका constitution है वो supreme है, but उस constitution को amend करने की power parliament पे है, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल इतना है कि पार्लियामेंट इजीली अमेंड भी कर सकता है, इसलिए पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी भी आ गई और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी भी आ गई। इस पे ना पंडित नेहरू ने कुछ बोला था, पंडित नेहरू ने ना इसे जस्टिफाई करा था कि हमने जो ये बैलेंसिंग एक्ट करा है ना, ये जरूरी है। उन्होंने क्या कहा था? व्हाइल वी वांट दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एज सॉलिड एंड परमानेंट एज वी कैन मेक इट, देयर इज नो परमानेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में कुछ नई चीजें आ गई, फ्यूचर कुछ और है, मतलब सोसाइटी चेंज होगी, बट वो सोसाइटी बेचारी आज भी दबी हुई है 100 साल पुराने रूल्स के। क्लियर? इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सीबिलिटी होनी चाहिए। देयर शुड बी अ सर्टन फ्लेक्सीबिलिटी। इफ यू मेक एनीथिंग रिजिड एंड परमानेंट, यू स्टॉप अ नेशन्स ग्रोथ, the growth of a living, vital, organic people, ठीक है? Societies change होती रहती हैं, उन societies पे आप पुराने रीति रिवाजों का burden नहीं डाल सकते, पुराने rules and regulation का burden नहीं डाल सकते। तो society अगर change होती रही है, हो रही है, तो वो अपने हिसाब से constitution को भी change कर पाए, तभी constitution के provisions थोड़े से flexible होने चाहिए। Alright? Now, Dr. Ivor Jennings है ना, ये एक और constitutional expert है, इन्होंने clearly बोला है कि इंडिया का constitution इतना भी flexible नहीं है जितना आप सोच रहे हो। उन्होंने कहा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ठीक ठाक रिजिड है, और उन्होंने इसके दो रीजंस दिए थे। एक तो उन्होंने कहा था कि प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट। हमारे यहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ अमेंडमेंट हैं और वो कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट है। खैर, इस बात से तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स अग्री नहीं करते आइवर जेनिंग्स की, कि नहीं इतने भी डिफिकल्ट नहीं है, यूएसए का ज्यादा डिफिकल्ट है, ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा डिफिकल्ट है, स्विट्जरलैंड का ज्यादा डिफिकल्ट है। कई तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जिनमें अमेंडमेंट करने के लिए आपको रेफरेंडम करना पड़ता है, राइट? तो ये जो पहला रीजन दिया है आइवर जेनिंग्स ने, उससे बहुत सारे लोग अग्री नहीं करते, बट बहुत सारे उनके दूसरे रीजन से अग्री करते हैं। आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि कुछ मैटर्स, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है? वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर्स कर लेते काम, ऑर्डिनरी पार्लियामेंट फंक्शनिंग हो जाती, स्टेट लेजिस्लेचर वो काम कर लेते, बट वो प्रोविजंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं, इससे रिजिडिटी आ जाती है। जैसे ये लाइन पढ़ लेते हैं, मैटर्स विच शुड हैव बीन लेफ्ट टू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन आर ऑल्सो मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द सर्टन मंडेन प्रोविजन, जो नॉर्मल, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के काबिल ही नहीं है, कि कॉन्स्टिट्यूशन को उन चीजों पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, वो प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर चेंजेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आइवर जेनिंग्स ने पता है क्या एग्जाम्पल दिया था? आइवर जेनिंग्स ने ना आर्टिकल 224 का एग्जाम्पल दिया था। नाउ आर्टिकल 224 में ना ये प्रोविजन दिया हुआ है कि रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस को भी आप बुला सकते हो सिटिंग्स में, अगर आपके हाईकोर्ट में शॉर्टेज ऑफ जजेस हो रही है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना रिटायर्ड जजेस को नहीं बुलाना चाहती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडिशनल जजेस को भी अपॉइंट करना चाहती थी जो शॉर्टेज के टाइम काम आए, बट क्योंकि आर्टिकल 224 में एडिशनल जजेस का कोई प्रोविजन नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 224 को अमेंड करना पड़ा था स्पेशल मेजोरिटी के साथ। तो इससे आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि छोटे छोटे आम मैटर्स जो ऑर्डिनरी सिंपल मेजोरिटी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से हो जाने चाहिए, कि आपको कितने जजेस चाहिए, जजों को किस हिसाब से ट्रांसफर करना है, ये सारे प्रोविजंस भी डिटेल में दिए हुए हैं, और अगर इन प्रोविजंस में आपको चेंज करना होता है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आनी पड़ती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जब एडिशनल जजेस का कॉन्सेप्ट लेके आए थे ना हाईकोर्ट के लिए, तो उन्हें 224 स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड करना पड़ा था। तो इससे डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं कि बिकॉज ऑर्डिनरी मैटर्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हुए हैं, जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट लेजिस्लेचर्स को दे दिए या लेजिस्लेचर्स को दे दिए, इस वजह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा रिजिड हो जाता है। बट आपका पॉइंट पता क्या होना चाहिए, आपको यह कहना है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स है, रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, बट इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन इट इज रिजिड, ठीक है? और वो भी इसलिए है बिकॉज वी वॉन्ट टू बैलेंस पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी विद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, और जैसा कि आप जानते हो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कहां से आया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी दिया गया है। आर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली मेंशंस फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो मेंशंस द रेमेडीज फॉर एनफोर्सिंग दीज राइट्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो बिल ऑफ राइट्स मेंशन करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी फंडामेंटल राइट्स मेंशन करता है, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक और आर्टिकल इंसर्ट करता है,
उस आर्टिकल में पता क्या लिखा हुआ है कि कैसे उन फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया जा सकता है। आर्टिकल 32 पता क्या कहता है, आर्टिकल 32 कहता है कि किसी को भी लगे कि उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो इन रिट्स की हेल्प से, इन प्रेरोगेटिव रिट्स की हेल्प से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और रिलीफ पा सकता है, राइट। आर्टिकल 32 गारंटीज द रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, को वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्शरी, इनको हम डिटेल में करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आर्टिकल 32 ना प्रेरोगेटिव रिट्स को भी मेंशन करता है, ठीक है। अब इस आर्टिकल 32 से ना जुडिशियल रिव्यू की विंडो खुल जाती है। अगर आर्टिकल 32 ना होता ना तो फंडामेंटल राइट्स पे जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास वो ना होती, सुप्रीम कोर्ट ना देख सकता कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है नहीं हो रहा है। बट बिकॉज आर्टिकल 32 में क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी को भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता दिखे वो सुप्रीम कोर्ट जाके ये रिट फाइल कर सकता है, क्लियर। सो दिस प्रोविजन प्रोवाइड्स अ विंडो फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। नाउ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को ना ये पसंद नहीं आया आर्टिकल 32, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे सर आइवर जेनिंग्स, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले करे। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि ना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉयर्स पैराडाइज, ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना लॉयर्स ने बनाया है और लॉयर्स ने अपने हिसाब से बनाया है। जनरली वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ना वो रिट्स नहीं मेंशन करते कि ये रिट लगेगी, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स मेंशन करते हैं। बट बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था, वो बनाने वाले लॉयर पॉलिटिशियंस थे, सर आइवर जेनिंग्स के वर्ड्स है ये, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मैक्सिमम लोग थे ना, जो पॉलिटिशियंस थे, वो लॉयर भी थे साथ साथ। तो बिकॉज ये लॉयर पॉलिटिशियंस का बनाया हुआ है इसलिए उन्होंने ना लॉयर की तरह, लॉयर की भाषा यूज करी है, लॉयर्स पैराडाइज है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि ये आर्टिकल 32 की जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने आर्टिकल 32 को साइट करा है कि ये रिट्स लिखने की जरूरत ही नहीं थी, आप सिर्फ फंडामेंटल राइट डालो, क्लियर। अब प्रोफेसर डीडी बासु पता है क्या कहते हैं, प्रोफेसर डीडी बासु जिनकी बुक भी है जो हमें बोलते हैं पढ़ने को, राइट, प्रोफेसर डीडी बासु कहते हैं कि सर आइवर जेनिंग्स इस चीज में ना गलत है, सर आइवर जेनिंग्स ने ना एक चीज इग्नोर करी है। दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ सर आइवर जेनिंग्स फेल टू अप्रिशिएट द वेरी फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने पता है क्या इग्नोर करा है, इंडिया ना बैलेंस करना चाहता था अमेरिकन डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट टू द इंग्लिश डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना पार्लियामेंट को सॉवरेनिटी भी देना चाहता था बट उस पर लिमिट भी लगाना चाहता था, और वो लिमिट आर्टिकल 32 से आती है, ठीक है। वो लिमिट कहां से आती है, पार्लियामेंट की सुप्रेमेसी पे, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कुछ भी लॉ बना सकता है बट वो लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करता नहीं होना चाहिए, और अगर पार्लियामेंट का कोई लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट जाके वो जो लॉ है, वो जो पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेशन है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। तो बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट वॉन्टेड टू पुट चेक्स ऑन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, बिकॉज हमने क्या बैलेंस करना है, हमने बैलेंस करना है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विद पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, इसीलिए हमने लिमिटेड गवर्नमेंट, और जो लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, और जो पार्लियामेंट्री सुप्रेमेसी का कॉन्सेप्ट है वो इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, तो इन दोनों के बीच में हमने बैलेंस आउट करना था, इसीलिए हमने प्रेरोगेटिव रिट्स का आर्टिकल भी डाला फंडामेंटल राइट्स में, क्लियर। डीडी बासु कहते हैं जुडिशियल रिव्यू इज अ नेसेसरी कॉन्कॉमिटेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फॉर इट इज मीनिंगलेस टू इंश्राइन इंडिविजुअल राइट्स इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल राइट्स इफ दे आर नॉट एनफोर्सेबल। अगर आप आर्टिकल 32 नहीं डालोगे, आर्टिकल 32 ही है जो पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो एनफोर्स कर सके इन फंडामेंटल राइट्स को, अगर आर्टिकल 32 ही नहीं होएगा तो जुडिशियल रिव्यू की पावर खत्म हो जाती है। आर्टिकल 32 ही जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है, और अगर जुडिशियल रिव्यू की पावर खत्म हो जाएगी तो फंडामेंटल राइट्स डालने का क्या पॉइंट है, अगर फंडामेंटल राइट्स कोई लॉ वायलेट कर रहा है उसको आप स्ट्राइक डाउन ही नहीं कर सकते तो फिर फंडामेंटल राइट्स ही क्यों आपने लिखे हैं। इसीलिए जुडिशियल रिव्यू देने वाला आर्टिकल 32 इंपॉर्टेंट है, क्लियर। प्लस ये चीज सिर्फ डीडी बासु और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने नहीं कही, 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी भी बनी थी, उन्होंने भी कहा था Our first care could be to have our fundamental rights guaranteed in a manner which will not permit their withdrawal under any circumstances. So, Motilal Nehru Committee ne bhi 1928, back in 1928, ye keh diya tha ki agar fundamental rights aapne dalne hain, to aise dalna ki koi bhi parliament ya koi bhi legislature unhe hata na sake. Hai na? तो इसीलिए आर्टिकल 32 इंपॉर्टेंट हो जाता है। Why? Again, salient feature क्या है हमारा? We need to balance limited government या written constitution with parliamentary sovereignty. ऑलराइट, तो प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू एक और फीचर है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। चलिए अब हम आगे आ जाते हैं, जुडिशियल सुप्रेमेसी वर्सेस पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। ये पिछले जो दो प्रोविजंस है ना हमारे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विद पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, जुडिशियल रिव्यू, उसी की कॉन्टिन्यूएशन में है।
judicial supremacy versus parliamentary sovereignty. A constitution should always have certain flexibilities. ये तो हम कर चुके हैं. पता है क्या है? ये जो टॉपिक है ना जुडिशियल सुप्रेमेसी वर्सेस पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, ये दिखाएगा कि यूएसए जिसने जुडिशियल सुप्रेमेसी को फॉलो करा, पार्लियामेंट्री या उनके जो सेनेट है या कांग्रेस है उनकी सॉवरेनिटी को नहीं फॉलो करा, उन्होंने करा जुडिशियल सुप्रेमेसी, उससे यूएसए को नुकसान क्या हुआ, ये बताएगा. एंड दैट इज वाई इंडिया अच्छा सही रह गया, इंडिया जिसने बैलेंस आउट कर दिया. या तो आप पार्लियामेंट को पूरी पावर दे दो तो भी प्रॉब्लम होती है, अगर आप जुडिशरी को पूरी पावर दे दो तो भी प्रॉब्लम होती है. The rigid scheme of separation of powers and checks and balances between the organs in the constitution of USA has failed in its actual working. USA में ना Senate और जो Congress है उसकी limited powers हैं. जो executive है USA में, President वगैरह, governors, उनकी भी limited powers हैं. Strict separation of power follow करता है USA, है ना? इस वजह से ना वहां पे जुडिशरी एक्सट्रीमली ज्यादा पावरफुल हो चुकी है. व्हाई? बिकॉज जुडिशरी के पास क्या पावर है? जुडिशरी के पास पावर है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जुडिशरी ना अपने हिसाब से वहां कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करती है. यूएसए की जुडिशरी इज द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी इन द वर्ल्ड. क्यों? क्योंकि उसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करना, और यूएसए में सबसे ज्यादा सुप्रीमेसी आपने कॉन्स्टिट्यूशन को दिया है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा. यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो कुछ भी बोल दे, वो रैंडमली भी इंटरप्रेट कर देना किसी चीज को, वो माना जाएगा, वो लॉ होगा. सो मच सो कि उनके अपने सुप्रीम कोर्ट जज ने, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट जज चीफ जस्टिस ह्यूग्स, उन्होंने पता क्या कहा था एक बारी? उन्होंने कहा था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेज इट इज. जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वही यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी इस चीज को क्वेश्चन नहीं कर सकता. प्लस यूएसए में ना एक वर्ड यूज होता है, ड्यू प्रोसेस. ना ये बड़ा वेग है, और इसी के थ्रू ना यूएसए में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जुडिशियल पावर आती है. ड्यू प्रोसेस में पता क्या होता है? ड्यू प्रोसेस में ऐसा होता है कि अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर या सेनेट या कांग्रेस वगैरह कोई लॉ बनाती है तो उसने ड्यू प्रोसेस फॉलो करा होना चाहिए कि सारी चीजें. अब ड्यू प्रोसेस ना बड़ा वेग सा वर्ड है, और इसी बेसिस पे ना यूएसए का सुप्रीम कोर्ट किसी भी लेजिस्लेशन को नल एंड वॉइड कर सकता है. क्लियर? Vague expressions like due process explicitly mentioned in American constitution makes American judiciary sit over the wisdom of any legislative policy. Matlab American judiciary na Senate aur Congress ke upar baith jati hai, as if it were a third chamber or a super chamber of legislature. Theek hai? To USA ka jo Supreme Court hai na wo Senate aur Congress se zyada powerful hai. As a matter of fact, USA का जो सुप्रीम कोर्ट है वही लॉ बना देता है, as if it was a third chamber, क्योंकि उसकी मर्जी होती है. उसको अगर पसंद ना आए ना तो वो सेनेट का ड्यूली enacted लॉ उसको null and void कह सकता है. तो एक तरह से सुपर चेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हो गया. क्लियर? अब ये तो यूएसए का सिस्टम है बिल्कुल, जहां जुडिशरी को एक्सट्रीम पावर्स दी हुई है. इधर हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं अटलांटिक ओशन के, हम आ जाते हैं इंग्लैंड में. इंग्लैंड में जजेस को इतनी पावर ही नहीं है, वहां के कोर्ट्स को इतनी पावर ही नहीं है, वहां सारी पावर पार्लियामेंट के पास है. ऑन द अदर हैंड, अंडर द इंग्लिश सिस्टम पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड कैन डू एवरीथिंग दैट इज नॉट नेचुरली इम्पॉसिबल. ये विलियम ब्लैकस्टोन थे वहां के, इंग्लैंड के, उन्होंने बोला था कि पार्लियामेंट इतना सुप्रीम है कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी जो नेचुरली पॉसिबल है कुछ भी कर सकता है. ठीक है? सो द इंग्लिश जजेस हैव डिनाइड देमसेल्व्स एनी पावर टू सिट एज अ कोर्ट ऑफ अपील अगेंस्ट द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास करा है तो वहां का कोर्ट जो है इंग्लैंड का, वो उसे नल एंड वॉइड नहीं कर सकता क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है वहां पे. क्लियर? इंडिया ने क्या करा है? इंडिया फॉलोज अ हार्मोनाइज्ड ब्लेंड ऑफ टू सिस्टम्स. आवर सिस्टम सीक्स टू रिकनसाइल द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी विद जुडिशियल सुप्रीमेसी. क्योंकि दोनों को किसी तरह ब्लेंड करा है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स फॉर द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स व्हिच एरियाज आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बोलता है कि किन किन एरियाज में जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है और किन किन एरियाज में जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. ठीक है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बोलता है कि जो रिवर डिस्प्यूट्स के, जो रिवर डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए जो आएगा ना, जो भी सिस्टम आएगा उस पर लॉ पार्लियामेंट बनाएगा और कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता उस पर. ठीक है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बोलता है कि ये एरियाज हैं, यहां पे जुडिशियल रिव्यू है, ये एरियाज जुडिशरी के लिए नो गो एरियाज हैं. क्लियर? प्लस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना डेलिबरेटली अवॉइड करता है ड्यू प्रोसेस वर्ड को, एंड वी यूज द वर्ड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. अब याद आ रहा है बीआर अंबेडकर की बात? बीआर अंबेडकर ने क्या कहा था कि ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, इतने 100-200 साल हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को, हम अब पता क्या कर सकते हैं, हम बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से सीख के
प्रोविजंस को मॉडिफाई करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डाल सकते हैं। तो इंडिया ने सीखा, बी आर अम्बेडकर ने सीखा कि यूएसए में ड्यू प्रोसेस की वजह से एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जो कि जुडिशरी है वो एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाता है, इसलिए उन्होंने डेलिबरेटली अवॉइड करा ड्यू प्रोसेस और उन्होंने वर्ड यूज करा प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जैसे कि आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 21 में क्या दिया हुआ है कि लिबर्टी होगी, है ना, राइट टू लिबर्टी है आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 में फ्रीडम है, लिबर्टी है एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस नहीं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, है ना, आर्टिकल 21 में ये चीज दी हुई है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेलिबरेटली ये करता है। दो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस किसी तरह घुसा दिया है, वो हम जब जुडिशरी करेंगे तो डिटेल में देखेंगे। मेनका गांधी केस था ना आर्टिकल 21 वाला, उसमें ड्यू प्रोसेस वर्ड तो नहीं मेंशन हुआ बट एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वो पावर अपनी तरफ अज्यूम कर लिया। प्लस थ्रू केशव नंदा भारती केस जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर कह दिया और कह दिया कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन के, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा जो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। तो इससे सुप्रीम कोर्ट ने ना अपने पास पावर ले ली है, क्लियर। तो ये चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी अगर आपने नहीं करी हुई ये चीजें तो अभी आपको समझ नहीं आएगी, बट डिटेल में हम इन्हें करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने जुडिशरी का डोमेन तो रिस्ट्रिक्ट करा हुआ था बट कैसे जुडिशरी ने अपना ही डोमेन एक्सपैंड कर लिया थ्रू मेनका गांधी केस, थ्रू केशव नंदा भारती केस, क्लियर। येट आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज डन एन एक्सीलेंट जॉब ऑफ मेकिंग बोथ पार्लियामेंट एंड जुडिशरी सुप्रीम इन देयर ओन स्फीयर्स। ऑलराइट, अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। यूएसए में जो बिल ऑफ राइट्स है ना उन्होंने बस राइट दिए हुए उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाली हुई, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जितने भी फंडामेंटल राइट्स मेंशन करे हैं उन राइट्स के साथ साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी डाली हुई हैं कि किन किन केसेस में ये फंडामेंटल राइट वैलिड नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा, राइट। अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपॉर्टेंट थी। द आइडिया ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन अ बिल ऑफ राइट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, बट कई बार पता है क्या होता है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या पब्लिक पर्पज के लिए, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक रीजन के लिए आपको फंडामेंटल राइट्स छीनने पड़ते हैं। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ना फंडामेंटल राइट्स के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाली हुई हैं कि ऐसे केसेस, ऐसे सर्कमस्टांसेस जब इंडियन गवर्नमेंट को फंडामेंटल राइट्स छीनने पड़े आपसे ताकि ग्रेटर गुड को सर्व किया जा सके, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सोवरेनिटी ऑफ स्टेट उसको सिक्योर किया जा सके, तो तब फंडामेंटल राइट्स आपके वैलिड नहीं रहेंगे, राइट। बट यूएसए ने ये रिस्ट्रिक्शंस डाली नहीं। गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वेरी केयरफुली बैलेंस्ड विद द नीड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इटसेल्फ, राइट। अमेरिकन एक्सपीरियंस डेमोंस्ट्रेट्स दैट द रिटन गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज अ टेंडेंसी टू एंजेंडर एन एटोमिस्टिक व्यू टुवर्ड्स सोसाइटी एंड स्टेट व्हिच मे एट टाइम्स प्रूव टू बी डेंजरस टू द कॉमन वेलफेयर। नाउ यूएसए के जो बिल ऑफ राइट्स है ना वो इंडिविजुअल्स को राइट्स देते हैं। अब अगर आप इंडिविजुअल्स को फुल राइट्स दे दोगे ना, फ्री राइट्स, फ्री ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कंप्लीट राइट्स दे दिए, तो इंडिविजुअल्स ना अपने बारे में ज्यादा सोचेंगे, एक ना उनका व्यू इंडिविजुअलिस्टिक होगा रादर देन उनका व्यू देश के लिए कुछ हो, राइट। वो देखेंगे कि यार मेरे राइट्स वायलेट ना हो, देश भाड़ में जाए, राइट। इसीलिए ताकि ये चीज ना हो इंडिया में, इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं। कई बारी कॉमन वेलफेयर के लिए आपको फंडामेंटल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, इसीलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है। अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाली नहीं, बट वहां पे भी तो रिक्वायरमेंट हो ही गई थी कभी ना कभी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की हुई होगी, ऐसे सर्कमस्टांसेस आए होंगे, तो वहां पे ना कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं थी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए एक तरह से घुसा दी, ठीक है। अमेरिकन जुडिशरी रेमेडीड दैट बाय प्रोपाउंडिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर्स पता है क्या है? Under this, a legislature is supposed to be competent to interfere with the individual rights wherever they constitute a clear danger to the safety of the state and other collective interest. मतलब legislature जो होगा ना USA में वो violate कर सकता है individual के rights अगर safety of the state या other collective interest jeopardize हो रहे हो। तो ये American judiciary ने अपने आप से डाला है ये चीज, ये constitution में mention नहीं थी doctrine of police powers, तो उन्हें भी reasonable restrictions डालनी पड़ी। अच्छा हुआ कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दी ये चीजें। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं फेडरल फीचर्स पे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है और इसको भी हम डिटेल में करेंगे जब हम सेंट्रल स्टेट रिलेशंस करेंगे। नाउ आर्टिकल 1 क्लॉज 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स।
नाउ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नो डाउट फेडरल है, बट फिर भी मैंने फेडरल वर्ड यूज नहीं करा, मैंने यूनियन वर्ड यूज करा है। अब मैंने यूनियन वर्ड क्यों यूज करा है, मैंने फेडरल क्यों नहीं यूज करा है? इसके दो कारण है। एक, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बाय द फेडरेटिंग यूनिट्स। मतलब यूएसए में पता क्या हुआ था, यूएसए बना कैसे था, और यूएसए का नाम भी इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यूएसए में ना जितने भी ये स्टेट्स हैं ये सॉवरन कंट्रीज थी, इन्होंने आपस में अग्रीमेंट करा और एक फेडरल गवर्नमेंट बना दी। तो बिफोर यूएसए जितनी भी यूएसए की स्टेट्स है ना वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट थी। इंडिया में ऐसे नहीं था, पहले इंडिया आया है फिर स्टेट्स आई हैं। यूएसए में पहले स्टेट्स थी, उन्होंने अग्रीमेंट करा, फिर फेडरल गवर्नमेंट आई, यूएसए बना। तो इसीलिए फेडरेशन कहना सही नहीं होगा, बिकॉज इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बाय द फेडरेटिंग यूनिट्स। और दूसरा पता क्या है, द कॉम्पोनेंट यूनिट्स हैव नो फ्रीडम टू सीसीड फ्रॉम इट। यूएसए में देर इज राइट टू सीसीड, कोई स्टेट चाहे तो वो सीसीड कर सकती है यूनियन से, फेडरल फेडरेशन में ऐसा होता है। बट इंडिया में स्टेट्स के पास ये राइट नहीं है कि वो इंडियन यूनियन से सीसीड कर लें। इसीलिए बी आर अम्बेडकर जी यूनियन वर्ड यूज करते हैं। उनकी बात ही सुन ले, एक बार उनकी बात ही पढ़ लेते हैं, उन्होंने क्या कहा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी स्टेटेड दैट ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन मे बी फेडरल इन स्ट्रक्चर द कमिटी हैड यूज द टर्म यूनियन बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस। ये जो दो हैं, क्लियर। अब इंडिया को ना बहुत सारे वेस्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने स्टडी करा हुआ है, और कई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने ना इंडिया को क्वासाई फेडरल भी बोला हुआ है। उन्होंने बोला है कि इंडिया ना बस नाम का फेडरल है, वैसे इंडिया फेडरल है नहीं, नकली फेडरल है। इंडिया इज अ क्वासाई फेडरल, इंडिया एक तरह की यूनिटरी स्टेट है जिसमें थोड़े बहुत फेडरल फीचर्स हैं, क्लियर। तो मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कॉल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासाई फेडरल बिकॉज इट इज नॉट सिमिलर टू द क्लासिकल फेडरल पॉलिटीज लाइक स्विट्जरलैंड और यूएसए वेयर मोर पावर्स आर गिवन टू स्टेट्स। ठीक है, तो यूएसए स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया में स्टेट्स को ज्यादा पावर दी हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कई कहते हैं कि ये हैं रियल फेडरल स्टेट्स, इंडिया फेडरल नहीं है, इंडिया तो यूनिटरी स्टेट ही है। बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ना गलत है, अकॉर्डिंग टू डीडी बासु ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ना गलत हैं, ये कई चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। ऑन अ डीपर एनालिसिस वन फाइंड्स दैट दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्टन यूनिटरी फीचर्स, यूनिटरी बायस है, इट हैज ऑल द नेसेसरी फीचर्स ऑफ अ फेडरल पॉलिटी। फेडरल कोई भी कंट्री को, कोई भी स्टेट को, किसी भी गवर्नमेंट को आप फेडरल तभी कहते हो अगर वो चार मेन फीचर्स को फॉलो करता है। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट फेडरल स्टेट्स हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप के फेडरलिज्म हो सकता है, बट अगर किसी को अपने आप को फेडरल स्टेट कहलाना है तो उसे चार मेजर फीचर्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो चार फीचर्स क्या हैं, असेंशियल फीचर्स ऑफ बीइंग अ फेडरल पॉलिटी। एक, फेडरल गवर्नमेंट वो होती है जिसमें डुअल गवर्नमेंट होती है, दो लेयर्स होती हैं गवर्नमेंट की, सेंटर और स्टेट्स। ठीक है, इंडिया में वो है, बिल्कुल है। देन फेडरल गवर्नमेंट वो होती है या फेडरल पॉलिटी वो होती है जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बिटवीन दीज टू डुअल गवर्नमेंट्स। ठीक है, सेंटर के पास अपनी पावर्स होंगी, स्टेट के पास अपनी पावर्स होंगी। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इज डिफरेंट फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ पावर्स। कई ऐसे यूनिटरी स्टेट्स हैं जैसे यूके है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ये यूनिटरी है, ये फेडरल नहीं है। कई ऐसी यूनिटरी स्टेट्स हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट्स हैं, यूनिटरी कंट्रीज हैं जो ना लोकल गवर्नमेंट्स को पावर डेलीगेट कर देती हैं, अपनी तरफ से उन्हें पावर्स दे देती हैं। बट डेलीगेट करने का मतलब पता क्या होता है, वही सेंट्रल गवर्नमेंट छीन भी सकती है पावर। बट इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं छीन सकती स्टेट की पावर बिकॉज स्टेट की पावर आती है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है इंडिया में, ठीक है, तो इंडिया के पास डुअल गवर्नमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है। देन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ही तो देता है पावर स्टेट गवर्नमेंट को, राइट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम ना हो, पार्लियामेंट सुप्रीम हो, तो पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके स्टेट्स की पावर छीन सकता है, राइट। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, और जो कोर्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेंगे वो इंडिपेंडेंट और अथॉरिटेटिव होने चाहिए। किसी कंट्री में ये चार फीचर्स हैं ना तो वो फेडरल है, ठीक है। उसके अलावा फेडरलिज्म की डिग्री वेरी कर सकती है, उसके अलावा बहुत सारे टाइप, डिफरेंट टाइप की फेडरलिज्म हो सकता है, ठीक है। कोई स्ट्रांग फेडरल हो सकता है, कोई वीक फेडरल हो सकता है, बट कोई भी अगर ये चार फीचर्स फॉलो कर ले उसे हम फेडरल कहेंगे, ठीक है। और इंडिया ये चार फीचर्स फॉलो करता है, इसलिए इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। दो देर आर सर्टन यूनिटरी बायसेस, बट इंडिया को हम फेडरल स्टेट ही गिनेंगे क्योंकि वो ये चार फीचर्स फॉलो करता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने कहा था कि इंडिया यार यूएसए की तरह नहीं है, स्विट्जरलैंड की तरह नहीं है, तो इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हाँ, इंडिया यूएसए की तरह नहीं है, इंडिया स्विट्जरलैंड की तरह नहीं है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है, बट इंडिया अपने आप में एक तरह अलग तरीके का फेडरल स्टेट है, ठीक है।
वो चार वो इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉलो करता है ना, उसके बाद कोई कंट्री कैसे भी बिहेव करे वो फेडरल ही है. क्लियर? तो इंडिया इज अ फेडरल पॉलिटी. क्लियर? अब ये फेडरलिज्म को हम और डिटेल में करेंगे व्हेन वी टेक अ लुक एट सेंटर स्टेट रिलेशंस. ऑलराइट? अच्छा, अदर फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या कुछ और फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, फटाफट से इन्हें देख लेते हैं. सोशल इक्वालिटी ऑल्सो गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन हैं दुनिया के, जैसे यूएसए वगैरह, वो सिर्फ ना लिमिट्स लगाते हैं गवर्नमेंट पे, कुछ बेसिक लिबरल राइट्स देते हैं. बट इंडिया में ना सोशल इक्वालिटी को भी इंश्योर किया जाता है. इंडिया में DPSPs वगैरह, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है? तो सोशल इक्वालिटी हम इंश्योर करते हैं. देन फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं. देन इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है. देन इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो फॉलो करता है यूके की तरह, बट यूके की तरह मोनार्की फॉलो नहीं करता. यूके तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, इंडिया एक रिपब्लिक है, ठीक है? तो इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी, इट विल बी कंबाइंड विद एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट. क्लियर? फिर हमारा एक फीचर है फेडरल फीचर विद यूनिटरी बायस, प्लस हमारे यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है एज प्रोपाउंडेड इन केशव नंदा भारती जजमेंट. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को हम डिटेल में देखेंगे इन द चैप्टर ऑफ जुडिशरी. ऑलराइट? तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है लेक्चर वन. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, and if you really want to join our prelims 2020 crash course, then the link for joining that crash course is in the description section below. theek hai? to description section mein jana wala link liya diya hoga ek, us link pe click karna and you can join our crash course. already us crash course mein hamare already jo hamara platform hai us pe already geography aur economy ke lectures pade hue hain. to if you want to cover economy and geography as well, to aap wo bhi dekh sakte ho. all right? So that's it from my side, guys. I'll see you next time with lecture 2 of Indian Polity. Thank you.